मैं चैनल में मीना जायसवाल फ्रॉम देहरादून। आज हम बनाने वाले हैं कस्टर्ड वनीला केक। चलिए इसके लिए हमने ये लिया है, मैं चम्मच गिर गया, इसके लिए हमने लिया है एक कटोरी हमने मैदा लिया है, एक कटोरी मैदा है, ये थोड़ी कटोरी खाली और पौना कटोरी चीनी है और पौना कटोरी हमने लिया है दही, आधा कटोरी हमने लिया है रिफाइंड। रिफाइंड आप कोई भी मतलब ले लें जिसमें कोई भी खुशबू ना हो, वो वाला रिफाइंड ले आप। और एक कप दूध लिया है, नॉर्मल दूध है ये, फ्रिज से बहुत देर पहले निकाल लिया था हमने ये। और कस्टर्ड ये पाउडर है, आधा एक कटोरी मैदा है, आधा कटोरी मैं डालूंगी ये वनीला कस्टर्ड वो डालूंगी। चलिए सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ, सबसे पहले मैं मिक्सी का जार लूंगी, ये कोई फेटेंगे नहीं, पहले सबसे मैं इसी में बनाऊंगी केक, पहले फेटूंगी इसमें। इसमें डालेंगे हम दही, चीनी, चीनी क्योंकि हमारे पास पीसी भी चीनी नहीं थी, मैंने चीनी ली थी, मिक्सी में आराम से मेल्ट हो जाएगी चीनी। और ये रिफाइंड इसमें डाल देंगे हम पहले, और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें दूध, क्योंकि ये हमें मिक्सी में फेटना है अच्छे से, दही और ये हमें मिक्स करना है, क्योंकि हमारा दही और ये जब तक मिक्स हो जाएगा। चलिए जब तक मैं ये फेट लेती हूँ, जाके मिक्सी में ग्राइंड कर लेती हूँ। देखिए मिक्सी में हमारा ये फेट चुका है, इसको हम डाल देंगे इस डब्बे में, क्योंकि हमें सारा मिक्स सारा इसी में करना है, इसलिए इसमें डाल देंगे। अच्छे से हमारी चीनी भी मेल्ट हो गई, सारी कुछ चीजें मेल्ट। अब हम इसमें डालेंगे मैदा, मैदा लें आप हमेशा छान के लें, पहले लेंगे मैदे को छानेंगे इसमें इस तरह से, देखिए मैदे में भी कबाड़ होता है, ये कितना कबाड़ निकला मैदे में भी। मैदे लेंगे और हम डालेंगे इसमें कस्टर्ड, कस्टर्ड को भी छान के ले लेते हैं, कस्टर्ड ऐसे डाल देते हैं, एक चम्मच की सहायता से ले लेते हैं, चम्मच लेके आती हूँ। आधा कटोरी कस्टर्ड ले लिया, वो भी हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि कस्टर्ड का स्वाद जो है अच्छा आएगा। अच्छे से इन्हें आपके पास जो भी है उसे आप फेंट लें, इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब मिक्स करने के बाद देखेंगे हमें जितने दूध डालने की जरूरत होगी उतना दूध डालेंगे। कलर भी डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि कस्टर्ड डाला मैंने तो पीला कलर इसमें अपने आप ही आ गया है कस्टर्ड से। थोड़ा थिक लग रहा है हमें, हम थोड़ा सा दूध डालेंगे इसमें, लाइट चली गई। देखना थोड़ा थिक लग रहा है हमें, हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, कहीं कहीं हमारा ज्यादा पतला हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए थोड़ा कम थोड़ा थोड़ा मात्रा में लेके दूध को डालते रहें, इस तरह से उनको फेंटते रहें हम, जितना फेंटोगे उतना ही अच्छा केक बनेगा आपका। यदि आप लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और चैनल को पे नए हैं तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब मेरे बहुत कम रह गए हैं, और आजकल मैं देख रही हूँ कोई भी मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहा है,
आप लोग सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करो और सब्सक्राइब करो, मुझे भी आगे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप मुझे जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाने की कोशिश करो, आप ही लोग हो जो कोशिश करोगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम। और हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, ये केक बनाना अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों को, और कमेंट सेक्शन में हमें बताना हमारा केक कैसा बना है। चलिए इसको हम थोड़े देर रेस्ट करने के लिए रख देंगे, 10 मिनट के लिए करीब, जब तक मैं आगे का काम कुछ कर लेती हूँ। इसमें बनाएंगे हम केक, इसमें लगाते हैं रिफाइंड, थोड़ा सा कुछ चिकना करेंगे हम। आपके पास बटर पेपर हो तो बटर पेपर लगा लें, या कुछ भी लगा फाइल पेपर भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये कागज है, मैं इस कागज को लगाऊंगी। इसमें गोल गोल करके इसे काटेंगे, इसको नाप लेंगे इस तरह से, पीछे से इस तरह से नाप लेंगे, और ये इस तरह से हम इसको काट लेंगे। ये देखिए इस तरह से नापेंगे और इसको गोलाई से हम काट लेंगे। कट चुका ये इस तरह से कट गया। अब हम पहले इसमें इसको ग्रीस करेंगे, फिर ये लगाएंगे पेपर। आपके पास कोई भी बर्तन हो ले लें आप, सिल्वर का हो, एल्युमिनियम का हो, स्टील का हो, कोई भी लें, चकोर हो, गोल हो, आप कोई सा भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास सुविधा हो आप उसमें केक बना सकते हैं। किसी भी में केक अच्छा बन जाता है अगर सारा सामान हमने सही से डाला है तो हमारा केक परफेक्ट बनेगा। ऐसा नहीं है केक हमारा अच्छा नहीं बनेगा, केक बहुत बढ़िया बनेगा। इसको हम लगा लेंगे कागज, इसको भी ग्रीस कर लेंगे। अगर ये ना लगाए आपके पास कागज ये भी ना हो तो आप मैदे से डस्टिंग कर सकते हैं, मैदा डाल के इसको अच्छे से डस्ट कर सकते हैं। इस तरह से अच्छे से कागज लगा लें इसमें दोनों तरफ से कि हमारा कागज अच्छे से चिपक जाए इसमें। ये देखिए ये लगा लिया, इसको हमने तैयार कर लिया, अब हम इसमें डालेंगे। जब तक चलिए उधर मैं रखती हूँ भगोना या जो भी जिसमें केक बनाएंगे उसमें रखते हैं, चलिए दिखाती हूँ वो भी। मैंने इस तरह का ये भगोना ले लिया, इसमें नमक बिछा लिया, नमक देखिए इस तरह से नमक बिछा लें, और इसमें रख देंगे हम एक स्टैंड। ये कोई सा भी आपको स्टैंड ना हो, इस तरह का ना हो तो आपको कोई कटोरी भी रख सकते हैं, आपके पास जो भी हो वो चीज़ रख सकते हैं, बस इससे थोड़ी टच रहे ये चीज़ कि हमारा केक थोड़ा सा। ये देखिए हमने स्टैंड रख दिया, अब हम इसको प्रीहीट उन्हें गर्म होने के लिए रखेंगे, जब तक हमारा केक 10 मिनट के लिए रेस्ट कर रहा है, जब तक ये अच्छे से गरम कर लेंगे इसको भगोने को, अच्छे तरफ से गरम हो जाएगा तो हमारा केक अच्छा बनेगा, चारों तरफ से हीट मतलब अच्छे से गरम हो जाएगा तो चारों तरफ से इसको गर्माई मिलेगी, केक बहुत अच्छे से बनेगा। इसको हम कवर कर देते हैं, चलिए धीमी गैस पे रख देते हैं रेस्ट के लिए थोड़ा सा गरम। देखिए हमारा ये बैटर भी सेट हो गया है बिल्कुल, थोड़ा सा थिक और हो गया, इसमें थोड़ा सा दूध और डालेंगे। अब डालेंगे हम इसमें इनो, आपके पास बेकिंग सोडा हो, बेकिंग पाउडर जो भी हो आप वो भी डाल सकते हैं। चलिए मैं इनो डालूंगी इसमें, इनो को खोल लेते हैं। इस तरह से इनो डालेंगे, इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे जब तक इसमें बबल्स ना उठे। आधा पैकेट और डालूंगी क्योंकि हमारी मैदा थोड़ी ज़्यादा है, फिर ये बनेगा नहीं सही से, थोड़ा सा 1.5 पैकेट करीब डालूंगी मैं इसमें। आधा इसमें बच गया है, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध इस तरह से। ये देखिए कितने बबल्स, जब तक ये पूरे बबल्स ना उठ जाएं, जब तक इसको मिक्स ना करें। ये देखिए हो गए ना पूरे झाग झाग से हो गए। चलिए हम इसको मिक्स कर देते हैं, अब फटाफट हम इसमें डालेंगे, हल्के हाथों से चलाएंगे और फटाफट से हम बर्तन में डाल देंगे। इस तरह से रखें आप भी,
ये देखना है इस तरह से रहेगा। चलिए इसमें डाल देती हूँ इस बर्तन में अपने। डल चुका है, इसको थोड़ा हम टैप करेंगे इस तरह से, जिससे इसे कोई भी एयर बबल्स होंगे वो निकल जाएंगे। चलिए हमारा जब तक भगोना भी गर्म हो चुका है उसको रख देते हैं उधर। ये देखिए गर्म हो चुका है, इसको बहुत आराम से रखें, ये चारों तरफ से बहुत गर्म हो रखा है, कहीं हाथ में ना लग जाए इसलिए बहुत आराम से सहायता से रखें बिल्कुल। इसको हम कवर करेंगे इससे, ये रखेंगे हम 15 से 20 मिनट, उसके बाद चेक करेंगे कि हमारा कैसा बना है। चलिए 15-20 मिनट के बाद मिलते हैं। देखिए केक हमारा कितना ऊपर तक आ चुका है, इसमें दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा खाली रह गया है, काफ़ी ऊपर तक ऊंचा हो गया है। अभी सिर्फ हमें 10 मिनट हुए रखे हुए इसमें, अभी हमें 10 मिनट और रखना है इसमें। चलिए थोड़ा सा और हो जाएगा फिर मैं ऊपर से इसमें ड्राई फ्रूट डालूंगी। ये देखिए केक हमारा कितना ऊपर तक आ गया, बस थोड़ा सा रह गया। इसको बीच में ना खोलें, 15-20 मिनट के बीच में ना खोलें, अगर खोलने से क्या होता है केक हमारा फिर नीचे बैठ जाता है, ऊपर आने की जगह नीचे हो जाता है, बाहर की हवा थोड़ी ठंडी लगेगी ना तो नीचे हो जाएगा, इसलिए इसको बीच में खोलें ना, जब अच्छे से 15-25 मिनट के बाद ही खोलें। देखिए 20 मिनट हो गए हमें केक को रखे, अब हम इसको खोल के देखते हैं, ऊपर से ड्राई फ्रूट डालेंगे। ये देखिए कितना सुंदर केक बना है, कितना बढ़िया फूल के अच्छे से आया है ये देखें। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट ऊपर से, जिससे हमारे ये थोड़े से चिपक भी जाएंगे इसमें। अब हम कवर कर देंगे, अभी थोड़े से 5-10 मिनट और पकाएंगे इसको, 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। केक बनाना कितना आसान है और इसमें हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ी कुछ भी, और फटाफट केक बनके तैयार हो गया। देखिए खोलने से हमारे बीच में पिचक गया केक, ये देखना बीच से दब गया है थोड़ा सा, 5-10 मिनट और रखा था मैंने, देख लेते हैं खोल के। अब ये तिल ही डाल के देखेंगे हमारा केक बन के तैयार हुआ या नहीं हुआ। चलिए इस तरह से आप लोग अपने तिल ही डाल के देख लें, इस तरह से इधर बीच में भी देख लें, बीच में जल्दी कच्चा रह जाता केक इसलिए बीच में, ये देखिए बिल्कुल साफ है केक हमारा, बिल्कुल बन के तैयार है। इसको अब हम ठंडा होने के लिए रखेंगे, गैस को कर देंगे बंद, ठंडा हो जाएगा कम से कम आधा घंटे ठंडा करेंगे इसको, फिर बाद में हम निकालेंगे दूसरे बर्तन में। चलिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं, छोड़ देते हैं। देखिए केक हमारा ठंडा हो चुका है, थोड़ा सा गर्म है, इसको हम पलट के देखेंगे हमारा केक कैसा बना है। चलिए इसके लिए हमें एक थाली चाहिए होगी, इसमें हम उल्टा रखेंगे केक को इस तरह से, इस तरह से टैप करेंगे। केक हमारा बनके तैयार है, ये देखिए थोड़ा सा भी कागज को हटा देते हैं, थोड़ा ठंडा हो जाए फिर हटाते हैं। देखिए ठंडा हो चुका है, इसको हटा देते हैं कागज को जो हमने लगाया था। इसको बहुत आराम से हटाना पड़ेगा, चिपक गया है ये। देखिए केक हमारा कितना सुंदर बना है,
कच्चा इधर से भी कच्चा नहीं है, कहीं से भी कच्चा नहीं है। चलिए इसको सीधा कर लेते हैं, पहले सीधा करके दिखाती हूँ। देखिए केक हमने सीधा कर लिया है, चलिए कटिंग करके दिखाती हूँ, काट के दिखाती हूँ कैसा केक हमारा बना है। बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट केक बना है, इतना सॉफ्ट है कि काटने से भी बिखर रहा है। देखिए ये देखिए कितना सॉफ्ट केक बना है, ये देखिए ये देखिए इतना सॉफ्ट है केक, बढ़िया लग रहा है खाने में। चलिए काट के दिखाती हूँ कैसा बना है केक। चलिए एक प्लेट में डालती हूँ, ये देखिए इस तरह से कितना सॉफ्ट हो स्पंजी केक बना हमारा बढ़िया सा। ये देखिए इस तरह से कितना बढ़िया केक बना है। कैसा लगा हमारा केक आप लोगों को? अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। चलिए मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ, बाय बाय। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर देना।